तो दोस्तों अभी हम यहाँ अपने मसूरी कैंप में घूम रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो कितना प्यारा ग्राउंड है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये छोटी सी शूटिंग रेंज बना रखी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे ये AK-47 राइफल का मॉडल उन्होंने लगाया हुआ है, और यहाँ से जैसे ये एक्सेस ऑफ बैरल, जैसे ही इसके ये जो आगे बैरल है, इस बैरल से जैसे ही बुलेट निकलती है तो वो 3, 4, 5 तरीके से जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये लाइन ऑफ फायर, लाइन ऑफ डिपार्ट, ट्राजेक्ट्री, कल्मिनेटिंग पॉइंट, और ये सारे सामने सीधा बुल आई पे लग रही है इधर। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे पीछे हैं, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो छोटा सा ब्रिज बना रखा है ऐसे वॉक करके जाने के लिए। ये ट्रेनिंग के लिए होता है। वहाँ पे भी कुछ बेली रोल करके वो है, और काफ़ी सारे वहाँ पे ऐसे एक्सरसाइजेस की, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम जंगल में आके एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, अमेजिंग। और मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो है यहाँ पे इस पे ऐसे चढ़ते हैं इसको, और इस पे ऐसे वॉक करते हैं पूरा यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से इसको टापते हैं। ये टेनिस कोर्ट है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा था कि अभी हमारा प्लान था वहाँ जाने का, धनौल्टी, बट अभी धनौल्टी जाने का हमारा प्लान कैंसिल हो गया, बिकॉज़ हमारा मन नहीं कर रहा यहाँ से कहीं जाने का। ये इतनी अच्छी जगह, इतनी प्यारी जगह है, कोई लोग नहीं है आसपास, और एकदम पीसफुल है। सिर्फ चिड़ियाओं की, जानवरों की आवाज़ आ रही है, और इतनी अच्छी ग्रीनरी हो रखी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे। अमेजिंग, बेस्ट प्लेस। और दोस्तों इसके बाद जो ये वाली होती है, इसमें हम लोग ऐसे चढ़ते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमसे पूरा, अब हम आगे जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो रस्सी है, यहाँ से इस पे ऐसे लटक के जाते हैं, फिर इसको पकड़ के ऐसे यहाँ से नीचे उतरते हैं। जो आप देख रहे हो, क्रॉल करके जाते हैं इसके अंदर से। तो ये है दोस्तों, इसके अंदर से क्रॉल करके जाते हैं। और दोस्तों ये जो वॉल दिख रही है पीछे, सीढ़ी से ऊपर चढ़ के इस वॉल से ऐसे रस्सी के थ्रू ऐसे नीचे आते हैं। तो दोस्तों ये देखो, जैसे मैंने कि बताया था, ये वाली वॉल है जो मेरे पीछे, अब इसके पीछे मैं चढ़ूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ चढ़ के। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको ये चढ़ के दिखाऊंगा, ये 30 फुट की वॉल है जो मैंने चढ़ी है अभी। दोस्तों अभी मैं आपको अभी इस वाले पे चढ़ के दिखाऊंगा। दोस्तों ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा टफ है, इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इसलिए ये नहीं कर पाऊंगा मैं। आ गया। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं ये वाला भी आपको करके दिखाऊंगा, तो इसलिए इसको रुकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था, मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया। तो दोस्तों अब मैं ये सब, तो ये जो जितना भी आपने पीछे ड्रिल अभी देखी है, ये सब मैंने अभी कर लिया है, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ के कुछ पेड़ पौधों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो आप वो सामने देख रहे हो, वो जो पेड़ है, ये लंबा सा जो पेड़ है, ये पेड़ है देवदार का। इसको देवदार की ट्री बोलते हैं। इस ट्री की खास बात ये है दोस्तों कि ये जैसे घर का फर्नीचर, बेड, सोफ़े, इन सब बनाने में बहुत काम आता है, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही
महंगी लकड़ी होती है ये, तो उससे ये बनता है। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अब ये वाला पेड़ है दोस्तों, ये जो पेड़ है ये वाला, ये जो हमारे पास में ये जो है, और फिर ऐसे ही एक वो पेड़ है ये वाला, फिर एक ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये वाला पेड़ है, इन सबको बोलते हैं बांज के पेड़। तो दोस्तों ये जो बांज के पेड़ होते हैं, और ये हमारे पीछे ये भी बड़ा सा जो है, ये भी पूरा बांज का पेड़ है। और ये बांज के जो पेड़ होते हैं दोस्तों, ये इसके जो पत्ते होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ऐसे ही गाँव के जो हमारे जितने पेट एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, वो सब ये बांज के पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो खाना बहुत पसंद करते हैं। और ये आपको गाँव में जंगलों में ही मिलेंगे हमारे उत्तराखंड की साइड। और इनके जो लकड़ियाँ होती हैं ये भी वेस्ट नहीं जाती हैं। इनकी लकड़ियों का क्या होता है, हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। जैसे गाँव में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ जैसे हम जलाते हैं, तो उसके लिए इसके बांझ की लकड़ियाँ बहुत काम आती हैं। तो ये जो पूरी जो बांझ के जो ट्री है, इसका कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, मतलब ये बहुत ही अच्छा है। और ये बहुत सारे एक साथ होते हैं, मतलब ये जो पेड़ होते हैं ग्रुप में एक साथ होते हैं। मतलब जैसे कि अगर एक जगह आपको बांझ का पेड़ दिखे, तो वहाँ पे 100, 200, 300 पेड़ एक साथ लगे होंगे जंगलों में। तो ये ऐसे होता है। तो मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे बांज के पेड़ दिख रहे हैं मुझे, और वो देवदार का पेड़ भी दिख रहा है देखो दोस्तों। तो देवदार का पेड़ है, उसकी खासियत एक ये भी है दोस्तों कि वो एक प्रॉपर एक ऑल्टीट्यूड में ही आपको मिलेगा। मतलब जैसे कि अभी हम हैं 10,500-11,000 की हाइट पर हैं, 11,000 फीट की हाइट पर हैं सी लेवल से। तो ये जो देवदार के पेड़ है, ये आपको 10,000 या 11,000 के ऊपर ही आपको मिलेंगे। तो ठंडी जगहों पर होते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे बहुत ठंडी है, और दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही है अभी, 48, 46 ऐसे टेम्परेचर हो रखा होगा। यहाँ का टेम्परेचर तो दोस्तों क्या बताऊँ, अभी दिन के 2 बज रहे हैं और सूरज देवता इतने सर पे आ रखे हैं, मतलब पर उसके बाद भी यहाँ पे देखो दोस्तों गर्मी का नामो निशान नहीं है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। ओहो, मन तो कर रहा है यहीं पर हमारा एक छोटा सा घर होता और हम यहीं रहते ज़िंदगी भर, मज़ा ही आ जाता।